नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सभी पार्टियां वहां की जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। जहां एक तरफ सत्तारूढ़ बीजेपी सूबे में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए, मतदाताओं को लुभाने के लिए तमाम कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपनी खोई सत्ता को पाने के लिए अपने चुनावी वादों के साथ मतदाताओं को अपने पाले में लाने का प्रयास भी कर रही है। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी मुसलमानों के लिए आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि उसकी पार्टी सभी जातियों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण की सीमा को मजबूत करेगी और मौजूदा 50% से बढ़ाकर लगभग 75% कर देगी। जी हां, कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने अपने एक ट्वीट के जरिए कहा कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 75% करने और सभी जातियों को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने के लिए प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में सत्ता में आने पर कर्नाटक में आरक्षण की सीमा बढ़ाएगी। कांग्रेस नेता के किए गए इस दावे पर पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने तीखी प्रतिक्रिया दे डाली। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में मैं चुनावी वादा कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। अनुभवी लिंगायत नेता की ओर से कहा गया कि चूंकि सिद्धारमैया आगामी चुनाव के अब बुरी तरह हारने वाले हैं, इसलिए राज्य में आरक्षण की सीमा बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वहीं कर्नाटक में लिंगायत के प्रमुख नेता येदियुरप्पा ने कहा कि कांग्रेस इस चुनाव में बुरी तरह पिटने जा रही है और हार की ओर अग्रसर होगी। उन्होंने दावा किया कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के लिए वे अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। कांग्रेस के पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने एक ट्वीट में कहा कि हम वैकलंगा या लिंगायत या फिर किसी अन्य समुदाय के लिए आरक्षण बनाने के खिलाफ नहीं है, हम उनकी आबादी के आधार पर सभी के लिए आरक्षण बनाने का समर्थन करेंगे। तो सोचिए, एक ओर कांग्रेस अपना वादे की ताल ठोक रही है, दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस को गिराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अब देखना है कि किसका वादा सफल होता है और कौन जीत दर्ज करता है। तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।